Number 1. Friends, director Farhad Samji and lead role Akshay Kumar, Ritesh Deshmukh, Bobby Deol, Kriti Sanan, Pooja Hegde and Kriti Kharbenda ka movie Housefull 4 movie ne first day se hi bahut badhiya collection ne kiya hai. मूवी ने फर्स्ट डे में कलेक्शन किया है 19.08 करोड़, जो बहुत बढ़िया तो नहीं बट अच्छा कलेक्शन है पे दिवाली एंड वर्किंग डे को देखते हुए। जहां पर सेकेंड डे एंड थर्ड डे में तो मूवी का कलेक्शन डिक्रीज हुआ है। मूवी ने ओपनिंग वीकेंड में कलेक्शन किया है 53.22 करोड़। जहाँ पर कल फुल हॉलीडे था इंडिया में, लोगों को ना बाहर ना घर के अंदर कोई भी काम था, जिसके चलते इस मूवी ने कल बहुत ही बढ़िया कलेक्शन किया है। कल हाउसफुल 4 मूवी ने थर्ड डे से भी डबल कलेक्शन किया है। कल यानी फोर्थ डे में इस मूवी ने कलेक्शन किया है 34.56 करोड़, जिससे मूवी का टोटल कलेक्शन हुआ है 87.78 करोड़, जो इस दिवाली में बहुत ही बढ़िया कलेक्शन है। सो हाउसफुल 4 मूवी का कलेक्शन दिखाया है क्रिटिक्स से ज्यादा पब्लिक रिव्यू अच्छा होता है। और फ्रेंड्स, आपको बता दे, आज भी ज्यादातर स्टेट पे हॉलीडे है, जिसके चलते आज भी इस मूवी का कलेक्शन बेहतर हो सकते हैं। आज यानी फिफ्थ डे में इस मूवी का कलेक्शन हो सकते हैं लगभग 20 करोड़ अप्रोक्सीमेटली। सो जस्ट 10 डेज में ही ये मूवी 100 करोड़ से भी ज्यादा कलेक्शन कर सकते हैं। जहां पर कल से मूवी के लिए चैलेंजिंग हो सकते हैं, कल यानी सिक्स्थ डे में इस मूवी का कलेक्शन हो सकते हैं लगभग 10 करोड़ अप्रोक्सीमेटली। तो आप चलिए देख लेते हैं इस मूवी का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। फ्रेंड्स, हाउसफुल 4 मूवी ने इंटरनेशनल मार्केट में जबरदस्त कलेक्शन किया है। मूवी ने फर्स्ट वीकेंड में ही इंटरनेशनल मार्केट में कलेक्शन किया था 21.46 करोड़। जहां पर कल भी मूवी ने ओवरसीज में जबरदस्त कलेक्शन किया है। सो नाउ मूवी का टोटल वर्ल्ड वाइड में कलेक्शन हुआ है 131 करोड़ अप्रोक्सीमेटली, जो वर्ल्ड वाइड में भी अच्छा कलेक्शन है। और एक बात आप लोगों को बता दे, कुछ घंटे पहले अक्षय कुमार ने बिहार फ्लड में यानी बिहार में बाढ़ से पीड़ित लोगों को 1 करोड़ डोनेट किया है अक्षय कुमार ने, जो अक्षय कुमार का फैन के लिए सबसे बड़ा न्यूज है। तो फ्रेंड्स, आप चलिए देखते हैं इस मूवी के साथ ही साउथ इंडियन बिग बजट मूवी बिगिल मूवी का कलेक्शन। डायरेक्टर एटली एंड लीड रोल विजय एंड नयनतारा का मूवी बिगिल मूवी ने फर्स्ट डे से ही तमिलनाडु के साथ ही साथ ऑल इंडिया में एंड वर्ल्ड वाइड में आउटस्टैंडिंग कलेक्शन किया है। आपको बता दे, फर्स्ट डे में इस मूवी ने तमिलनाडु में कलेक्शन किया था 22 करोड़, जहां पर मूवी का तमिलनाडु में ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन था लगभग 58 करोड़। और कल भी तमिलनाडु में इस मूवी का कलेक्शन जबरदस्त हुआ है, जिसके चलते मूवी ने अब तक कलेक्शन कर चुके हैं 75 करोड़ प्लस अप्रोक्सीमेटली, जो सिर्फ तमिलनाडु स्टेट को देखते हुए जबरदस्त आउटस्टैंडिंग एंड रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन है। जहां पर फ्रेंड्स, ऑल इंडिया में भी इस मूवी ने लगभग 110 करोड़ कलेक्शन कर चुके हैं, जिसके चलते जस्ट फोर्थ डेज में ही इस मूवी ने टोटल वर्ल्ड वाइड में कलेक्शन किया है 140 करोड़ अप्रोक्सीमेटली, जो वर्ल्ड वाइड में सुपर्ब कलेक्शन है। तो फ्रेंड्स, आप चलिए देखते हैं इस मूवी के साथ ही रिलीज हुआ मेड इन चाइना मूवी का कलेक्शन। डायरेक्टर मिखिल मुसाले एंड लीड रोल राजकुमार राव एंड मौनी रॉय का मूवी मेड इन चाइना मूवी का कलेक्शन फर्स्ट डे से लेकर फर्स्ट वीकेंड तक बहुत ही ज्यादा कमजोर हुआ है। फर्स्ट डे में इस मूवी ने कलेक्शन किया था जस्ट 1 करोड़, जहां पर सेकेंड डे एंड थर्ड डे में मूवी का कलेक्शन थोड़ा सा इंक्रीज होते हुए ओपनिंग वीकेंड में कलेक्शन किया है 3.75 करोड़। जहां पर कल फुल नेशनल हॉलीडे होने के कारण मूवी का कलेक्शन बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हुआ है। कल यानी फोर्थ डे में इस मूवी ने कलेक्शन किया है 3 करोड़।
जो अच्छा कलेक्शन तो नहीं है बट फर्स्ट डे को देखते हुए बहुत ही बढ़िया इंक्रीज है। सो फ्रेंड्स नाउ मूवी का टोटल लाइफ टाइम कलेक्शन हुआ है 6.75 करोड़ और जहाँ पर आज भी इस मूवी का कलेक्शन हो सकते हैं लगभग 2 से 2.50 करोड़ अप्रोक्सीमेटली। जहाँ पर फ्रेंड्स इस मूवी के साथ ही रिलीज हुआ डायरेक्टर तुषार हीरानंदानी एंड लीड रोल तपसे पन्नुम भूमि पडनेकर का मूवी सांड की आंख मूवी इंडियन बॉक्स ऑफिस में फर्स्ट डे से ही मेड इन चाइना मूवी से भी कमजोर कलेक्शन किया है। फर्स्ट डे में इस मूवी ने कलेक्शन किया था 60 लाख जहाँ पर कलेक्शन इंक्रीज होते हुए ओपनिंग वीकेंड में कलेक्शन किया है 2.80 करोड़ एंड मूवी ने कल यानी फोर्थ डे में बहुत ही बढ़िया कलेक्शन किया है लगभग 300% से ज्यादा इंक्रीज के साथ मूवी ने कल यानी फोर्थ डे में कलेक्शन किया है 3.50 करोड़। सो नाउ मूवी का टोटल कलेक्शन हुआ है 6.30 करोड़ और जहाँ पर आज यानी फिफ्थ डे में इस मूवी का कलेक्शन हो सकते हैं लगभग 2 से 3 करोड़ अप्रोक्सीमेटली। तो फ्रेंड्स आपको क्या लगता है आप मेरा कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। सो आज इतना ही एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।